मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के बाद प्रभात उपाध्याय ने शासकीय महाविद्यालय जाकर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर की गई। महाविद्यालय पहुंचते ही जन भागीदारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभात उपाध्याय का छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रभात उपाध्याय ने बताया कि जिस महाविद्यालय में मैंने अध्ययन किया उसी का मुझे आज अध्यक्ष मनोनीत किया है, जिसके लिए मैं सभी लोगों का व वरिष्ठ गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास करना ही मेरा प्रमुख लक्ष्य रहेगा। महाविद्यालय के जो भी कमियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय, बंसीलाल चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णु ठेकेदार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व महाविद्यालय स्टाफ मौजूद था। ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने इस कॉलेज में जब पढ़ता था जब यहाँ पे हरियाली के नाम पे कुछ भी नहीं था, आज तो बहुत देखते पेड़ है सब है। जब हम देखते थे तो यहाँ से आते पूरा वीरान के वीरान था, कुछ हो नहीं होता था। पूर्व में हमारे जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष ने जो काम करा, मैं उस काम को आगे बढ़ाते हुए और जो कॉलेज हित में होगा, कॉलेज की सुंदरता बढ़ाने के लिए होगा, कॉलेज की शिक्षा को बढ़ाने के लिए होगा, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। मैं सभी को साथ में लेके हमारे सांसद जी को, विधायक जी को, हमारे सांसद प्रतिनिधियों को, हमारे पूर्व विधायक जी को और हमारे जो भी हमारे शिक्षा मंत्री जी, सबसे इनसे प्रयास करवा के इस कॉलेज को चार चांद लगाने की सोचेंगे और करवाएंगे ही। सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।